गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड के यूनिट नंबर 9 के लेक्चर नंबर 3 में हाइड्रोजन में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो बच्चों, आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का सिंथेसिस कैसे होता है, लेबोरेटरी स्केल पर या कॉमर्शियल स्केल पर कैसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, और फाइनली हम देखेंगे H2O2 का यूजेस क्या है। H2O2 कंप्लीट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है हाइड्रोजन के अंदर, जिसमें की टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है, पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स को भी आज हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाइड्रोजन के, थिंग्स टू रिमेम्बर में हम वो देखेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से शुरू कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रिपरेशन, हाउ कैन वी प्रिपेयर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको प्रिपेयर करना है तो उसका सबसे अच्छा मेथड है बेरियम परऑक्साइड। तो बेरियम परऑक्साइड है BaO2, ये जो BaO2 लिखा है वो क्या है, परऑक्साइड है। अब परऑक्साइड हमें कैसे पता चलता है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। और बच्चों, जहां ऐसा O के साथ O का बॉन्डिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड। तो ये बेरियम परऑक्साइड है, उसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है बच्चों, BaSO4 और साथ में H2O2। इट इज अवर मेन प्रोडक्ट H2O2 किया। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड, परऑक्सो डाइसल्फेट जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे। अगेन उसका सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो HSO4- प्लस एसिड साथ में बनेगा H2O2। H2O2 इज अवर मेन प्रोडक्ट। तो बेरियम परऑक्साइड से या परऑक्सो डाइसल्फेट से आप H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकते हैं। कुछ और भी मेथड है वो भी डिस्कस करने वाले। ये तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात हुई। अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मेथड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl एंथाक्विनोल्स। यहां पर 2-ethyl एंथाक्विनोल का अगर ऑक्सीडेशन हम करते हैं, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा तो एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा, साथ में क्या बनेगा बच्चों, H2O2। ये बैकवर्ड रिएक्शन में अगर आप रिडक्शन कर दोगे, पैलेडियम की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करोगे तो वापस आपको क्या बन जाता है, 2-ethyl एंथाक्विनोल। क्लियर है बच्चों। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड। इट मींस दैट 1 ml ऑफ 30% H2O2 सॉल्यूशन विल गिव 100 ml ऑफ ऑक्सीजन एट S2। यहां पर आपको बच्चों, ये जो H2O2 है इसका जब ब्रेकअप होता है तो यहां पर क्या बन रहा है, H2O2 की, अब यहां पर H2O+ ½O2। तो जब हम ये 2 mole ले लेंगे, ये 2 mole बन जाएगा और 1 mole आपका O2 बनेगा। ये कहां पर, S2P पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो 1 mole ऑक्सीजन के लिए आपको 2 mole ऑफ H2O2 यूज करना पड़ता है। तो ये ऑक्सीजन एट S2P बनता है, ये रिएक्शन होता है वहां पर। कॉमर्शियली मार्केटेड सैंपल इज 10 volume, विच मीन्स द सैंपल कंटेंट्स 3% H2O2। 10 volume का मतलब क्या है, 3% H2O2 है। नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होता है ये, प्लास्टिक की बोतल में ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलता है,
जिसको हम जर्मिसाइडल या एंटीबैक्टीरियल की फॉर्म में यूज करते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हाइड्रोजन परोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड अगर हम देखते हैं तो ये हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, आधी खुली किताब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे ना कि बुक को हाफ ओपन किया गया है, बट ये स्ट्रक्चर थोड़ा वेरिएट होता है वेपर फेज में और सॉलिड फेज में। अगर हम वेपर फेज में देखेंगे तो यहां पर जो परोक्साइड है वो परोक्साइड के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.47 एंगस्ट्रॉम, और ये जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 94.8 डिग्री होता है, और यहां पर जो बॉन्ड होगा वो 111.5 डिग्री होता है। अगर वही सॉलिड फिजिकल स्टेट में H2O2 की बात करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल वेरिएट हो जाएगा 101.9 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो 90.2 डिग्री हो जाता है। तो फिजिकल स्टेट बदलता है तो H2O2 का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कैसा स्ट्रक्चर होता है? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, आधी खुली किताब के जैसा स्ट्रक्चर होता। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। ये कैसे काम कर रहा है बच्चों? एस ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा मैंने अभी आपको रिएक्शन बताया था कि जब आप H2O2 का ब्रेकअप करने जा रहे हैं तो क्या बन रहा है बच्चों? H2O प्लस O2, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया आपने। देखो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑलवेज -1। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और यहां पर जिसका कोई नहीं उसका 0। तो देखिए बच्चों, जब -1 से -2 जाता है तो क्या होगा? रिडक्शन। जब -1 से 0 जाएगा तो ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन वाली बात हो गई। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसा काम करता है। क्लियर है बच्चों? ये देखो रिएक्शन यहां दे ही रखी है, H2O2 डीकम्पोज स्लोली ऑन एक्सपोजर और टू लाइट। H2O2 जो डिग्रेड हो रहा है H2O प्लस O2 में, तो यहां पर समझा दिया मैंने आपको पूरा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन ए वैक्स लाइन ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क। हमेशा इसको डार्क में रखा जाता है, नहीं तो ये यूवी लाइट सनलाइट के साथ रिएक्ट कर लेगा। वैक्स लाइन ग्लास या प्लास्टिक की वेसल में ही इसको रखा जाता है। नॉर्मली मार्केट में प्लास्टिक वेसल्स में H2O2 की अवेलेबिलिटी रहता है। यूरिया इज एडेड एज ए स्टेबलाइजर, जब उसका पैकिंग किया जाता है तो यूरिया को एज ए स्टेबलाइजर हम यूज करते हैं। डीकम्पोजिशन ना हो उसका, इसलिए स्टेबलाइजर यूरिया यूज किया जाता। क्लियर है बच्चों? इंपॉर्टेंट है H2O2, आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसको। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, जिसमें यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है। जैसे क्या यूज है? फर्स्ट, फॉर ब्लीचिंग डेलिकेट आर्टिकल्स लाइक वूल, हेयर, फीदर्स, पंख है, हेयर है, वूल है, इन सबको ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं हम। रीस्टोरिंग द कलर, कलर को रीस्टोर करना है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। फॉर ओल्ड लेड पेंटिंग्स, तो ओल्ड लेड पेंटिंग्स होती है ना, उनमें कलर रीस्टोरिंग के लिए यूज करेंगे। कलर रीस्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हुज व्हाइट लेड हैज ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PBS। जो व्हाइट लेड होता है ना वो ब्लैक लेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेड सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है PBS ऑफ एटमोस्फियर। जब वो व्हाइट लेड एटमोस्फियर के कॉन्टेक्ट में आता है तो लेड सल्फाइड बना देता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है। तो हाइड्रोजन परोक्साइड कन्वर्ट द ब्लैक लेड सल्फाइड टू व्हाइट लेड सल्फाइड। हाइड्रोजन परोक्साइड क्या करता है? अगेन जो ब्लैक लेड सल्फाइड बनाया उसको व्हाइट लेड सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है।
तो कलर रिस्टोरिंग में काम आएगा हमारे ये। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ज रबर, जो स्पॉन्जी रबर होते हैं उनको बनाने में भी हम H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज करते हैं। एज एन एंटीसेप्टिक एंड जर्मिसाइड फॉर वॉशिंग वाउंड्स टीथ ईयर्स अंडर द नेम ऑफ पर हाइड्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका कि H2O2 को एज ए एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइडल नेचर के जैसे भी यूज करते, वाउंड वगैरह हो जाए तो उसको साफ करने में, घाव को साफ करने में यूज किया जाता है। हाँ, टीथ का क्लीनिंग में भी यूज किया जाता है, बहुत सारे डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं कम कॉन्सेंट्रेशन में टीथ के क्लीनिंग में, बहुत जिसके बहुत डर्टी टीथ हो, यूजिंग टोबैको की वजह से अगर टीथ बहुत खराब हो गए तो डॉक्टर कभी कभी क्लीनिंग के लिए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करते। नेक्स्ट, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम परबोरेट एंड सोडियम परकार्बोनेट, यानी सोडियम परबोरेट और सोडियम परकार्बोनेट के मैन्युफैक्चरिंग में भी H2O2 यूज होता है। दीज आर यूज इन हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स, अगर हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स बनाना है तो भी उसमें यूज हो रहा है। एज एन ऑक्सीडेंट ऑफ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट के फ्यूल में एज ए ऑक्सीडेंट हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होता है। इन द डिटेक्टेशन ऑफ टाइटेनियम वैनेडियम एंड क्रोमियम आयंस विद विच इट फॉर्म परऑक्साइड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर, अलग अलग कलर जो बनते हैं स्पेसिफिक इनके परऑक्साइड से, उनमें भी डिटेक्टेशन में यूज होता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ इपोक्साइड, अगर आपको इपोक्साइड बनाना है तो भी H2O2 यूज करना पड़ेगा। इन द प्रोडक्शन ऑफ इपोक्साइड, प्रोपाइलिन ऑक्साइड एंड पोलीयुरेथेन्स, ये पॉलीमर है, उनके सिंथेसिस में भी H2O2 यूज होता है। इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, फार्मास्यूटिकल्स में मेनली सिफेलोस्पोरिन क्योंकि एक एंटीबायोटिक है, उसके भी सिंथेसिस में यूज होता है। और फूड प्रोडक्ट लाइक टार्ट्रिक एसिड बनाने में भी हम H2O2 को यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको H2O2 की बहुत सारे यूजेस दिए गए हैं, एक बार आपको सारे यूजेस परफेक्टली पढ़ लेने हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन हम करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले लेक्चर में हाइड्रोजन पढ़ाया था, बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसमें कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है। सबसे पहला फॉर्म है एटॉमिक हाइड्रोजन। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, इट ऑब्टेंड बाय द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका डिसोसिएशन होता है तो क्या बनता है, एटॉमिक हाइड्रोजन। द एटॉमिक हाइड्रोजन इज स्टेबल ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो स्टेबल होता है। एंड इट इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट इज ऑब्टेंड बाय पासिंग डाइहाइड्रोजन गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक बिटवीन टू टंगस्टन रोड, दो टंगस्टन की रोड के बीच में स्पेसिफिक एटमोस्फेरिक प्रेशर पर डाइहाइड्रोजन पास किया जाता है और वहां जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, द इलेक्ट्रिक आर्क कंटेन ए टेम्परेचर अराउंड 4000 टू 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक हाईली टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक आर्क से डाइहाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है तो वो एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाती है। एज द मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस पास थ्रू द इलेक्ट्रिक आर्क, दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गेट डिसोसिएटेड इनटू द एटम्स। आप देखेंगे डाइहाइड्रोजन इलेक्ट्रिक आर्क से पास कर रहे हैं तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन बन गया। एंड डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बच्चों, 43590 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर, द अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, इसको हाइड्रोजन टॉर्च भी बोलते हैं हम, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च भी बोलते हैं क्योंकि टॉर्च लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहा है, टॉर्च लाइक कंडीशन है कि ये डाइहाइड्रोजन है ना,
टंगस्टन के दो फिलामेंट्स, दो रोड है और हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक आर्क में हाई टेम्परेचर है 4000 से 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए इसको एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न है, नेसेंट का मतलब होता है नवजात, न्यूली बॉर्न। द हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर इन कॉन्टेक्ट विथ सब्सटेंस विथ विच इट हैज टू रिएक्ट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन एंड दिस न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के कंपेरिजन में बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता। देखिए आप, ये KMnO4 है, डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, H2SO4 है, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ये रिएक्टिविटी इसका कम। जबकि आपने Zn+H2SO4 में ZnSO4 और नेसेंट हाइड्रोजन बन गया, तो नेसेंट हाइड्रोजन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। अब आप देखेंगे यही रिएक्शन इधर आ रहा है जिसमें अब KMnO4 है और H2SO4 है और नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो K2SO4, MnSO4 एंड 8H2O बना लेता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है तो ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर है बच्चों? ये नेसेंट हाइड्रोजन की बात कर ली। थर्ड में बात कर रहे हैं हम ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। अब ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन कंटेंट टू एटम्स। हाइड्रोजन में दो एटम होते हैं, डायटोमिक फॉर्म में हाइड्रोजन स्टेबल होता है H2 में। द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन आर स्पिनिंग। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का डायरेक्शन कैसा है उसके बिहाफ पे आप हाइड्रोजन को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऑर्थो हाइड्रोजन आप देखेंगे न्यूक्लियाई का जो डायरेक्शन है ना वो एक जैसा है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। जब न्यूक्लियाई का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन। तो बच्चों ऑन द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई वी कैन से दैट द सेम डायरेक्शन ऑर्थो हाइड्रोजन, अपोजिट डायरेक्शन पैरा हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन विच द स्पिन ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई इन द सेम डायरेक्शन कॉल्ड द ऑर्थो हाइड्रोजन, अपोजिट डायरेक्शन एंड इट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी डाइहाइड्रोजन इज इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। नॉर्मल में ऑर्थो एंड पैरा के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, दिस साइन इज द इक्विलिब्रियम साइन। पूरा चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम, पढ़ाऊंगा मैं आपको उसमें इसको डिटेल में। द अमाउंट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन वेरीज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये जो अमाउंट है वो ऑर्थो एंड पैरो का वो वेरी करता है। कैसे करता है बच्चों? एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन पर हाइड्रोजन कंटेंट्स मेनली पैरा हाइड्रोजन विच इज मोर स्टेबल। यानी अगर बहुत बहुत कम टेम्परेचर है, जीरो केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पैरा हाइड्रोजन स्टेबल होता है। एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ एयर द रेशियो ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन कितना होता है, 1:1। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर के टेम्परेचर पर 1:1 का रेशियो होता है। एट रूम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या रहेगा, 3:1। ऑर्थो 3 75% जबकि पैरा 25% होगा। इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर द रेशियो ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन कैन नेवर बी मोर देन 3:1। यानी मैक्सिमम जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 3:1। 75% ऑर्थो हाइड्रोजन रहेगा और 25% पैरा हाइड्रोजन रहेगा। तो ये ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना जरूरी है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, थिंग्स टू बी रिमेम्बर। तो यहां पर हाइड्रोजन फॉर्म मोर कंपाउंड देन इवन कार्बन, कार्बन से भी ज्यादा कंपाउंड बनाता है आपका हाइड्रोजन। मेटल लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम एंड एयूरस गोल्ड हैव
द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन. ये मेटल क्या करती है कि हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन एट नॉर्मल और हायर टेम्परेचर. दोनों ही टेम्परेचर पर ऐसा होता है. कोलाइडल पैलेडियम कैन एब्जॉर्ब 2950 टाइम्स इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. एंड पीडी मेटल्स पैलेडियम कैन एब्जॉर्ब 900 टाइम्स इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. यहां कोलाइडल पैलेडियम है, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स होते हैं वो, तो वहां पर जो ऑक्लूजन है, एब्जॉर्प्शन है, वो ज्यादा होता है. द फिनोमिना इज नोन एज ऑक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन. द ऑक्लूजन प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स इन द ऑर्डर, सबसे ज्यादा ऑक्लूजन किसमें होगा, कोलाइडल पैलेडियम में होगा, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल होंगे इसमें, इसीलिए. नेक्स्ट, उससे कम किसमें होगा, पैलेडियम में, उसके कम प्लेटिनम में, फिर गोल्ड में और फिर निकल में. तो ये ऑर्डर भी कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है. ऑक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, कोलाइडल पैलेडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड निकल. इन सॉलिड वॉटर मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज जियोलाइट वॉटर एंड क्लेथरेट वॉटर. जो अगर सॉलिड फॉर्म में वॉटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो जियोलाइट वॉटर की फॉर्म में या क्लेथरेट वॉटर की फॉर्म में मिलते हैं. आइस इज ए गुड थर्मल इंसुलेटर. आइस बहुत अच्छा थर्मल इंसुलेटर होता है. 30% H2O2 इज कॉल्ड पर हाइड्रोल. इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 100 एंड इट्स मोलरिटी इज 8.8 मोल पर लीटर. यानी कि मोलरिटी कितना है, 8.8. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग.